शिव भक्त बहुत गरीब था। गरीबी के कारण वह बहुत दुखी और परेशान था। जब उसकी शादी हुई तब सब ठीक चल रहा था, मगर समय बीतता गया, उसका परिवार भी बढ़ता चला गया। पहले वह सिर्फ पति पत्नी थे और उनके माता पिता, लेकिन बाद में उसके 3 बच्चे भी हुए। बच्चे बड़े होने लगे, उनका खर्च भी बढ़ने लगा। अब शिव भक्त काशी के सामने बड़ी समस्या आ गई कि वह अपना घर खर्च कैसे चलाए। पहले खेती बाड़ी से घर का काम चल जाता था, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, खर्च बढ़ गया। बच्चों के स्कूल के खर्चे इतना ज़्यादा हो गया कि काशी को हमेशा उधार लेना पड़ जाता था। काशी के माता पिता बूढ़े हो गए थे, अब उनसे कोई काम नहीं होता था, बल्कि उनकी दवाइयाँ का भी खर्च बढ़ गया था। गांव वालों ने उसे सलाह दिया कि कहीं शहर जाकर कोई काम शुरू कर दो, नहीं तो उधार ले लेकर कब तक परिवार चलाओगे। काशी को कोई काम भी नहीं आता था जिससे वह करके पैसे कमा सके। अब दिन प्रतिदिन काशी की माली हालत खराब होने लगी। काशी के रिश्तेदार अब काशी के यहाँ आना बंद कर दिए। लोग काशी का मजाक उड़ाने लगे, इतनी भक्ति करता है, पूजा पाठ कर शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाता है, फिर भी भगवान इसकी नहीं सुनते। किसी ने काशी का मजाक भी उड़ाया, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। काशी लोगों की बातों को सुनता और दुखी हो जाता। वह समझ चुका था कि अगर आदमी के पास पैसा नहीं है तो उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं। काशी ने फैसला किया कि अब वह खेती का काम नहीं करेगा और शहर जाकर नौकरी करेगा। वह दुखी मन से घर से निकल जाता है और काम ढूंढने के लिए शहर चला जाता है। कई दिनों तक इधर उधर भटकता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वह उदास होकर शहर के बाहर सुनसान जगह पर हाईवे के नीचे बैठा था। सोचा, कोई गाड़ी या ट्रक आएगी, उस पर बैठ लूँगा और घर वापस चला जाऊँगा, क्योंकि कब तक भूखा प्यासा घूमता रहूँगा। गाड़ी का किराया देने का पैसे भी नहीं थे उसके पास। काशी चुपचाप बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी उसने देखा कि 2 गाड़ियाँ हाईवे से उतरकर जंगल की तरफ कच्चे सड़क पर आकर रुक गई। पहली गाड़ी में से 2 आदमी उतरते हैं, उनके साथ 6 साल का छोटा बच्चा भी था। बच्चे का हाथ बंधा हुआ था और मुंह पर टेप लगाया गया था। यह सब देखकर काशी घबरा गया। वह समझ गया कि बच्चे को कहीं से पकड़कर लाए हैं, तभी उसे इस तरह बांधे हैं। दूसरी गाड़ी से भी 2 लोग उतरते हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा बैग रहता है। वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, मगर काशी कुछ दूर पे रहता है इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता, मगर वो समझ जाता है कि ये लोग चोर बदमाश हैं। बैग में पैसा था। आपस में वो लोग पैसे गिनते हैं, फिर उसके बाद चारों लोग आपस में भिड़ जाते हैं। मारपीट जोर शोर से होने लगती है, इतनी भयानक मारपीट होती है, ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे की जान ले लेंगे। बच्चा चुपचाप वहाँ खड़ा होकर रो रहा था। तभी काशी दूर खड़ा होकर झाड़ियों के ओट से देख रहा था। उसके मन में बच्चे के प्रति दया भाव आया। वह समझ गया कि इस बच्चे के साथ ये लोग कुछ गलत करेंगे। उसने मौका देखा कि वे लोग आपस में भूसे लात चला रहे हैं। वह चुपचाप गाड़ी के बगल से छुपते हुए बच्चे को गोद में उठाकर वहाँ से दूर भाग जाता है। कुछ दूर जाकर वह बच्चे का बंधा हुआ हाथ खोल देता है, मुंह पे लगा टेप भी हटा देता है और बच्चे को चुप कराता है। बच्चे को बताता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वह एक मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट मांगकर बैठ जाता है और वापस शहर के अंदर चला जाता है। वह बच्चे को पानी पिलाता है, उसके बाद उसका नाम पता पूछता है, मगर बच्चा अपना नाम और माता पिता का नाम बताता है, लेकिन उसका घर कहाँ है ये नहीं बता पाता। काशी बहुत दुखी होता है। वह सोचता है, इस मासूम बच्चे को मैं कहाँ लेकर जाऊँ, मैं इसको इसके माता पिता के पास भी नहीं छोड़ सकता, कहाँ ढूँढूँ इसके माता पिता को। तब वह बच्चे को एक चाय की दुकान पर ले गया, वहाँ उस बच्चे को बिस्किट खिलाया। काशी बहुत ही दयालु और सीधा आदमी था। उसने चाय वाले से कहा, इस मासूम बच्चे को
कुछ लोग चुरा कर ले जा रहे थे। इसके हाथ बंधे थे। मैं उन बदमाशों से किसी तरह इसे बचा कर लाया हूँ, मगर यह अपने घर का पता नहीं बता पा रहा है। मैं कैसे इसको इसके माता पिता से मिलवाऊँ? तब चाय वाले सलाह दिया कि भाई, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, पुलिस वाले इसके माता पिता को खोज लेंगे। काशी को चाय वाले की सलाह बहुत अच्छी लगी। वह बच्चे को लेकर पास के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को अपनी आंखों देखी घटना बताता है। पुलिस वाले काशी के काम की सराहना करते हैं। कहते हैं, तुम बहुत ही ईमानदार और बहादुर हो, तुम्हारे जैसे लोग ही सच्चे देशभक्त होते हैं। उधर बच्चे के माता पिता को पता चलता है कि एक अनजान व्यक्ति उनके बच्चे को बदमाशों से बचाकर लाया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे लोग काशी से भी मिलना चाहते थे। आखिर भगवान का के रूप में कौन व्यक्ति है? पुलिस वाले ने काशी को कुछ देर रुकने के लिए कहा। बच्चे के माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। काशी वहीं रुक जाता है। जब उसके माता पिता आते हैं तो काशी के पैरों में गिर जाते हैं। कहते हैं, तुम इंसान नहीं, हमारे लिए भगवान हो। तुमने हमारे बच्चे को हमसे मिलवाया। बिना बच्चे के तो हम रो रो कर मर ही जाते। ये बच्चा एकमात्र हमारी संतान है। इसके अलावा हम लोगों का कोई नहीं। बड़ी मान्यता और प्रार्थना के बाद भगवान ने एक संतान दी है हमें। इस बच्चे के बिना हमारी सांसें रुक जाती। हम तुम्हारे उपकार के बदले में तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तुम जितना चाहो उतना पैसे मांग लो। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास कपड़े की बहुत बड़ी मिल है। तब काशी बोलता है, मुझे एक रुपया भी नहीं चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे की सहायता करें। तब बच्चे के माता पिता कहते, हमें भी कुछ अच्छे कर्म करने का मौका दो। तब काशी के आंखों में आंसू आ जाता है। वह बोलता है कि मैं इस शहर में नया हूँ। पिछले 5 दिनों से नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ, मगर मुझे नौकरी नहीं मिली। अगर आप मुझे कोई नौकरी दिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब बच्चे के पिता खुशी से काशी को गले लगाते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे जैसा ईमानदार और सच्चे आदमी की ज़रूरत है। तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी फैक्ट्री में कामों की कमी नहीं। मैं तुम्हें रहने के लिए मकान और गाड़ी दोनों दूंगा। तुम नौकरी क्यों मांग रहे हो? तुमको अपनी मिल में अच्छा पद और वेतन दूंगा। तुम सैकड़ों लोगों को नौकरी देना। तुम्हारे जैसे लोग छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं होते, बल्कि अच्छे पद और सम्मान के हकदार हैं। यही तुम्हारी ईमानदारी का फल है। काशी आंखों में खुशी के आंसू लेकर अपने भगवान को याद करता है और कहता है, प्रभु, मैं तो थोड़े में ही खुश हो जाता। आपने तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है और काशी को उसके ईमानदारी का फल मिल जाता है।